नमस्कार बच्चों, आइए इस वीडियो में हम असमान भिन्नों का घटाव करना सीखते हैं। जैसे आपके पास असमान भिन्न तो आप जानते ही हैं, जैसे 1/2 एंड 1/3, ये असमान भिन्न है। चलो इनको घटाएंगे हम, 1/2 घटाओ 1/3 सब्ट्रैक्ट करना है आपने। जैसे हमने पिछले वीडियो में ऐड किया था, अनलाइक टर्म को पहले हम लाइक में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम एलसीएम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको हम एलसीएम से कर सकते हैं। 2 और 3 लाइक टर्म कितने पड़ेगी? 6 में पड़ेगी। इट मीन एलसीएम 6 आ गया, 6 इधर ले लेंगे। 2 डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमिनेटर को हम 3 से करेंगे बच्चों। 3 2 6 और 1 को भी 2 से करेंगे, तो कितना आ गया आपका 3 - 2/6, तो कितना आ गया 1/6। दिस इज वेरी इजी, बड़ा इजी है, आप सब करेंगे बड़ा मजा आएगा आपको करने में। एक पार्ट और देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? 9/10 - 3/5। अब 10 पे दोनों इक्वल हो गए हमारे। हमारा एम क्या है? फर्स्ट हमने अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना है एलसीएम लेके। अब 10 पे 10 है ना, 10 ही एलसीएम आएगा। तो 10 पे 1 मल्टीप्लाई किया, 9 को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस 3 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया बच्चों? 9 - 3 = 6/10 और आ गया 3/10। अब इसका सी पार्ट देख लेंगे एक बार। सी पार्ट बिल्कुल सिमिलर है, डी पार्ट भी इसी प्रकार से है, ई पार्ट देखेंगे इसका। ई पार्ट में क्या है? ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 4 4 = 16 और 1 17/4 - 3/8। अब इसको बिल्कुल उसी प्रकार से अनलाइक टर्म को लाइक में, 8 पे लाइक होएगी हमारी, इट मीन एलसीएम 8 आएगा। ये कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 17 को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, -8 को 1 से, 3 को भी 1 से, तो 34 - 3/8 यानी कि 31/8। इसको हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इसके सारे क्वेश्चन आप करेंगे। एच पार्ट देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है 2 and 1/5 - 1 and 1/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रूव, 5 to 10 - 11/5 - 3/2। अब कितने पे इक्वल होगी हमारी? वही उसी तरीके से 5 to 10 पे इक्वल होगी। तो 5 वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, 11 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 5 to 10 5 से, 3 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सीधा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 22 - 15/10 7/10। इस प्रकार से आपने वर्कशीट 4 हमारी कंप्लीट हुई, 2 पार्ट की वीडियो को देखें और लाइक अवश्य करें।